नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। चलिए बात करते हैं सासाराम लोकसभा चुनाव की। सासाराम लोकसभा चुनाव में हम अभी हैं और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ पे अपना चुनावी सभा करेंगे। चुनावी सभा से पहले यहाँ पे जनता का मिजाज क्या है, युवाओं का मिजाज क्या है, छोटे बच्चे क्या चाहते हैं, छोटे बच्चे जब बैनर लेकर निकलते हैं मोदी का तो इनको क्या इच्छा होती है, जब ये वोट भी नहीं दे पाएंगे लेकिन आखिर ये कहना क्या चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री से, तो हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है? शरण कुमार। कहाँ घर है? दलेलगंज। क्या नरेंद्र मोदी में अच्छा लगता है? सराई में हर एटी में साथ देते हैं हम लोग का, तब साथ देते हैं सर। वोटर तो नहीं हो तो मेरे पापा मम्मी देंगे। पापा मम्मी को क्या कहते हो? कमल साहब नरेंद्र मोदी में आप वोट दीजिए। मैंने कोई सांसद नहीं है, नरेंद्र मोदी में ही वोट देना है। यहाँ का कोई सांसद को चेहरा नहीं जा, सांसद को नहीं आगे, यहाँ का सांसद कौन है? यहाँ से सर ये है सांसद। देखिए सांसद का नाम नहीं पता लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, नरेंद्र मोदी ही चाहिए, इनका कहना ये है। हम सांसद नहीं जानते। अच्छा, छेदी पासवान के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं ना कुछ विकास कर रहे हैं, तो क्यों फिर छेदी पासवान? छेदी पासवान है, अपने स्तर से छोटा मोटा काम कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे पूरी विकास नहीं कर पाए। जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट एनडीए की थी, केंद्र में मोदी की सरकार थी और यहाँ पे हमारे बीजेपी सांसद थे, चाहते तो बहुत अच्छी काम कर सकते थे लेकिन नहीं किए। पर क्योंकि हम लोग को मोदी को देखना है और हमारे देश सर्वप्रथम है और हमारे यहाँ सांसद मजबूरी है लेकिन मोदी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से नारा लगा रहे हैं क्या कि मतलब छेदी पासवान मजबूरी है? नारा नहीं, ये हमारे दिल से निकल रहा है, ये दिल से निकल रहा है कि छेदी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। उस हिसाब से हम लोग आप बस मोदी का चेहरा देख रहे हैं और किसी का चेहरा नहीं देख रहे हैं। इतनी धूप में, कड़ी धूप में सवाल है कि मोदी जी आ रहे हैं सुनने के लिए, मतलब भाषण सुनने के लिए आप लोग आए हैं, अगर मोदी जी तक ये बात पहुंच जाए तो क्या कहना चाहिए यहाँ के सांसद के बारे में और क्या करना चाहिए था उनको? हम अगर मोदी जी से एक आग्रह निवेदन करेंगे कि आप अपने सांसदों को भी आग्रह करिए या उनको एक निर्देश दीजिए कि आप अपने संसद क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में जो चौड़ीकरण रोड को करवाया जाए, जो अतिक्रमण है उसको हटवाया जाए, नल लगवाया जाए, स्टेशन को साफ सफाई किया जाए, ट्रेन जो हमारे यहाँ रुकती थी आनंद विहार सासाराम से उसको गया भेज दिया गया, वापस यहाँ पे लाया जाए सासाराम में और उसको विकास किया जाए ट्रेन का, स्टेशन का। अच्छा, रोड का क्या स्थिति है यहाँ पे? जमीनी स्तर पे क्या क्या विकास हुआ है आपको क्या लगता है? जमीनी स्तर पे देखिए विकास तो अभी हो रहा है लेकिन थोड़ा मोड़ा हो रहा है, रोड का बहुत हाल है। जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। सासाराम हमारा बहुत पुराना जगह है, यहाँ से हर बार बीजेपी को हम लोग जिताते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारे यहाँ विकास हो। यहाँ पे बिजनेस जो था पहले से बहुत बुरा हाल हो गया है, चौड़ीकरण रोड नहीं है, साफ सफाई नहीं है, यहाँ पे कोई चीज पे व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया गया आज तक। लेकिन फिर भी और हमारे यहाँ नगर थाना भी हट के हटा गया, एक मॉडल थाना चला गया जो हमारे गोला सासाराम में था, काफी कंट्रोल होता था, यहाँ पे दारू भी खुल के बिकी जा रही है, उस पे भी रोक लगाया जाए, हम आग्रह करेंगे। अरे आप तो युवा हैं लेकिन इतना धाकर न्यूज, आप मतलब इतने अच्छे अच्छी बातों को आप कर रहे हैं, कहाँ से आता है सब? बस हम लोग को देखते हैं, न्यूज देखते हैं, पता चला है, हम लोग पढ़ते भी है, पढ़ाई भी करते हैं। कौन से क्लास में? हम अभी बीकॉम फाइनल कर चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं और हम लोग को रोजगार के लिए भी कोई व्यवस्था कराया जाए, ये हम अपने सांसद से और मोदी जी से आग्रह। क्या नाम है आपका? मेरा आकाश कुमार वर्मा नाम पड़ेगा। आकाश कुमार वर्मा जी, अच्छा ये बताइए वर्मा जी कि आप यहाँ पे छेदी पासवान को देख रहे हैं 5 सालों से, जी, जी। 5 सालों में वो आप लोगों से मिलने के लिए आए? एक बार भी, हम कसम खा रहे हैं, एक बार भी अभी तक सांसद छेदी पासवान को नहीं देखे। अभी 2 दिन पहले सुशील मोदी के साथ रैली कर रहे थे, उस टाइम देखे हैं बस, उसके बाद आज तक हमारे आप मोदी जी के ही ये है ना? बस मोदी जी हमको जरूरी है और कोई नहीं है बस। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता है ना? कार्यकर्ता नहीं है, बस मोदी के लिए है। कार्यकर्ता रहते तो हम छेदी की बड़ाई करते रहते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता बीजेपी का हर किसी का बड़ाई करेगा, हम लोग एक आम आदमी है, मोदी के समर्थक है, मोदी हमारे लिए बहुत विश्वासपूर्ण आदमी है, उन पे पूरा विश्वास है, जिस हिसाब से एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। छेदी पासवान के बारे में आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे काम मतलब दिखाई नहीं दिए, तो मतलब कहाँ रहते हैं वो? वो पता नहीं, दिल्ली रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, बिजनेस है उनका, उन लोगों का, लड़के का
क्या बिजनेस है, वो लोग अपना काम करते रहते हैं। हम लोग को तो बस देखना है मोदी जी के लिए, मोदी जी को देखना है, उनको जिताना है। अब छेदी पासवान क्या करें क्या नहीं, बस इस बार आग्रह करेंगे जीत जाए तो इस बार हमारे शहर में दिखे और अपने साफ सफाई रोड का और युवाओं को रोजगार के लिए जो मोदी जी केंद्र में लाते हैं कौशल विकास योजना, वो सब धरती पर दिखना चाहिए। हमारे युवाओं को, सासाराम के खासकर युवाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। जो कलाकारी सिखाया जाता है, मुद्रा लोन दिया जाता है, लोन के लिए भी जाने पे पता चलता है कि घुस देना पड़ता है तब जाकर मुद्रा लोन पास होता है, वो चीज बंद कराकर हमारे सांसद जी अपने क्षेत्र का विकास करें, आग्रह यही करते हैं। आप इतना सारा नॉलेज आपके पास है, सासाराम के हैं आप, सासाराम के हैं ना, खासकर सासाराम आलमगंज के, अच्छा आलमगंज के हैं, तो अच्छा ये बताइए कि मोदी जी को तो आप सुन रहे हैं, छेदी जी के बारे में आपने बता दिया कि मजबूरी है और मोदी जरूरी है, अब दूसरी बात हम करते हैं मीरा कुमार जो कि दूसरी कैंडिडेट है जो इनके विपक्ष में खड़ी हुई है, वो भी यहाँ की सांसद रह चुकी है, क्या लगता है सांसद मीरा कुमार जो पहले रह चुकी है और अभी जो छेदी पासवान है, इन दोनों में कैसी टक्कर होगी? अरे बहुत हार्ड टक्कर है, लेकिन मीरा कुमार नहीं दिखने वाली, क्योंकि जिस वो पद पे थी लोकसभा स्पीकर, वो देश की एक बहुत ऊंची पद होती है, वो जिस हिसाब से अगर वो चाहती तो हमारे सासाराम में फैक्ट्रियां डलवाती, चौड़ीकरण रोड करवाती, यहाँ पे बहुत अच्छे केंद्रीय कॉलेज डलवा सकती थी, लेकिन आज तक हमारे यहाँ केंद्रीय कॉलेज नहीं है। हम लोग के लिए वीर कुंवर सिंह विद्यालय आ रहा है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, मगध यूनिवर्सिटी जो कि सासाराम में इतना बढ़िया पढ़ाई का लड़का है, स्टेशन पे हम लोग पढ़ते हैं। देखे थे हमें ये आप लोगों का कंपटीशन का तैयारी होता है जो स्टेशन पे, जी स्टेशन पे पढ़ते हैं। आज तक इन्होंने कोई खोज खबर नहीं की एक जगह एक लड़के को दे दे ताकि वहाँ पे जाकर खुद तैयारी करें, जो ट्रेन की डिस्टर्ब होती है वो चीज ना डिस्टर्ब हो, एक जगह दे देते हम लोग को, वहाँ पे हम कंपटीशन करते हैं, वहाँ पे आते हमारे सीनियर भी नॉलेज देते ज्ञान देते, फिर भी हम लोग इतने कठिन में परीक्षा देकर पास करते और एग्जाम लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से कोई सांसद नेता ध्यान नहीं देते हम पे। मीरा कुमार जी जो लोकसभा स्पीकर थी ना, वो बहुत विकास क्या क्या विकास क्या नजर आया कुछ? हाँ विकास तो नजर आया है, यहाँ पे नल भी लगा हुआ है, स्टेशन पे भी विकास हुआ है, केंद्रीय वाला जो था, हाँ केंद्रीय जो है वही विकास नहीं हुआ है, राज्य स्तर पे विकास नहीं हुआ है। काफी अच्छा नॉलेज आपने दिया और वीडियो से कहेंगे कि इनकी खबर इनकी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा भैया, कहे की बहुत अच्छा अच्छा बात कहा है, और सासाराम आरा भोजपुर और बक्सर के लोग होंगे जो पूर्वांचल के लोग होंगे तो जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो टैलेंट है वो सभी जगह दिखना चाहिए, और बात इन्होंने जो कही है वो कहीं ना कहीं दम तो लगता है। चलिए और लोगों से बात करें, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे देश के सभी लोग जो है, एक बार हमारे मोदी जी को फिर अवश्य प्रधानमंत्री बनाए, एक बार जरूर देखें मोदी। अच्छा इनके अपील पे हम नहीं जाएंगे, इनका अपना पर्सनल अपील है, तो हम और लोगों से बात करते हैं, क्या ये छेदी पासवान को हम नहीं जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हम लोग जानते हैं, हमें छेदी को कोई मतलब नहीं है, और इस बार हम छेदी को सिर्फ मोदी के चलते वोट देंगे और अगला बार मोदी जी से निवेदन कर देंगे छेदी को टिकट ना दें, छेदी और जवाहर प्रसाद को किसी भी कीमत पर सीट टिकट यहाँ से ना दिया जाए। आप भी सहमत हैं इनकी बातों? हम सहमत नहीं, छेदी पासवान नहीं, छेदी पासवान मजबूरी है, नरेंद्र मोदी अगला बार से हम लोग का चलेगा तो इनको सीट नहीं देने देंगे। छेदी पासवान ने नहीं जरूरी है नहीं मोदी नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करिए हैं, अभी चाहिए विकास, चाहिए विकास, चाहिए रोहतक जिले का विकास चाहिए। हम लोग डेली स्टेशन पर पढ़ाई करते हैं, जैसे पटना में रामविलास पासवान जी लड़के लोग को पढ़ाने की सुविधा दिया है, कहीं बैठा कर लाइट की व्यवस्था अपने आवास पे किया है, उसी प्रकार हम लोग को रोहतास जिला में चाहिए, हम लोग स्टेशन पर नहीं पढ़ना चाहते हैं, कभी बिजली चली जाती है तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं, हम लोग को प्रॉपर व्यवस्था चाहिए। हेलो सर, देश जब से आजाद हुआ है, हम लोग सबसे 1992 से आपको ये चुनाव प्रणाली लागू हुआ है, तो सासाराम क्षेत्र है जो सुरक्षित क्षेत्र हुआ हमारे नजर से, हम 1977 से मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी क्या नजर आ रहा है ये तो जीतेंगे क्लियर है, लेकिन मोदी जी के चलते जीतेंगे। दूसरी बात, लोकसभा क्षेत्र जो सासाराम सुरक्षित है उसको जनरल कर दिया जाता तो हमारी उम्मीद से यहाँ बहुत ज्यादा विकास होता, लोकसभा क्षेत्र आपको छेदी पासवान
ठीक है हम लोग तो मोदी को जानते हैं, छेदी प्रसाद को नहीं जानते हैं, लेकिन उन्हीं को चलते उनको थोड़ा बहुत सहायता मिलेगा। मतलब छेदी प्रसाद को नहीं जानते, नरेंद्र मोदी को जानते हैं। आपके करीब के सांसद हैं जी, यहाँ दिखाई नहीं देते हैं? कोई विकास उनको नहीं दिखाई दे रहा है, कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, हम लोग मोदी को चाहते हैं, छेदी को नहीं, छेदी को नहीं। लगा के देखिए, यहाँ पे एगो क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार पासवान है। मोदी ना? हाँ मोदी, चलिए मोदी नाम है, मोदी नाम है। अच्छा ये बताइए कि आए हुए हैं भाषण सुनने के लिए, यहाँ का सांसद कैसा लगता है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ। एगो आपे मिले? हाँ? आपे एगो मिले ठीक लगने वाला? सबका, सबको ठीक लगेगा, सबको लग जाएगा, क्योंकि मोदी आ गए ना। सबका मोदी 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 जो कह दिए सो कह दिए ना। तो सुना आपने, सासाराम की जनता की राय, इन्होंने तो बेबाक होकर राय दे दिया। और इन्होंने सांसद की जब बात हमने की तो छेदी पासवान के बारे में जो इन्होंने कहा है वो सुनकर काफी सारे लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जो वोट पड़ता है वो सांसद को देख के वोट पड़ता है या फिर देश का नेतृत्व जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी उनको देखकर वोट पड़ता है। ये सासाराम सिद्ध कर रहा है कि यहाँ पे संसदीय क्षेत्र को देखकर नहीं, देश के नेतृत्व को यहाँ पे देखकर वोट किया जा रहा है। अगर इनकी बेबाक राय और इनकी खबर पसंद आए तो इस खबर को लाइक करिए, शेयर करिए ऑन यूट्यूब आशा एक भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, तभी तो इन लोगों के जैसा रुझान और इन लोगों का जैसा साझा ओपिनियन पाइएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। सासाराम से मैं रहना सिंह, धन्यवाद आप सभी का।